हाय एवरीवन वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी तो आज आ गया आपका टर्म वन और टर्म टू के लिए सिलेबस जिसका कि आपको इंतज़ार था और अब आप इस सिलेबस की हेल्प से बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं सिलेबस पूरा सिलेबस ध्यान से देखना और नोट डाउन कर लेना पेन और बुक लेकर बैठना वीडियो देखते पर और सारे चैप्टर्स में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि क्या क्या आ रहा है चैप्टर्स में से तो वो सब आप नोट कर लोगे अच्छे से तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो भाई एक्साइटेड हूँ अपना देखने के लिए टर्म वन टर्म टू का सिलेबस तो देखो बहुत शॉर्ट में आ गया सब कुछ आपका सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है और लिमिटेड चैप्टर्स एक एक टर्म में आने हैं तो जरा देख लो इसको बहुत खुश हो रहे हो आप लोग कि चलो सिलेबस कम हुआ है होना भी चाहिए पर यह है कि साथ में मेहनत उतनी ही करनी है मेहनत कम मत करना बस ठीक है सिलेबस भले ही कम हुआ है मेहनत पूरी रखना जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ ठीक तो देखो जो आपका कोर्स आपको पता है ज़ीरो एट सिक्स होता है आपका और जो आपका इवोल्यूशन स्कीम है उस वो आपको ये सब पूरा दिया हुआ है किस तरह से आपका इवोल्यूशन होगा एट इन द फाइनल तो टर्म वन जो आपका नवंबर में होना है उसमें तीन यूनिट्स जो आनी है मीन्स केमिस्ट्री बायो ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन हो गया ये बायो हो गया एंड दिस इज फिजिक्स पोर्शन केमिस्ट्री में आपके तीन चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ठीक है और चैप्टर सिक्स आएगा आपका बायोलॉजी में जो कि आपका लाइफ प्रोसेस है तो फिजिक्स में आ रहा है आपका टेंथ एंड एलेवेंथ चैप्टर लाइट रिफ्लैक्शन रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड तो ये कुल मिलाकर के आपका सिक्सटीन प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स फोर्थ थर्टी एंड फोर्टी फोर्टी मार्क्स का ये तीनों आ रहे हैं आपके जिसमें आपका वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है केमिस्ट्री का है टर्म वन में ठीक है और एम सी क्यू केस बेस्ड स्टडीज पे एम सी क्यू ये सारे आपके आने असरशन रीज़न वगैरह तो बहुत ध्यान से आप इनको ईच एंड एवरी लाइन ईच एंड एवरी रिएक्शन और फिजिक्स है तो नुमरिकल फॉर्मूलाज मतलब सब कुछ आपको बहुत ध्यान से करना है डायग्राम्स इन बायोलॉजी लेवलिंग भी आ जाती है तो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिस तरह से आप करोगे प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे नंबर मिल पाएंगे यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ठीक है अब आते हैं टर्म टू में ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा राइट right? कुछ एक एम uh, आएंगे बाकी सारा सब्जेक्टिव होगा जैसे कि आपका एक नॉर्मल पेपर आता है ये उसी तरह से रहेगा आपका इसमें आपका जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसमें क्या आ रहा है आपका चैप्टर फोर एंड फाइव चैप्टर फोर हो गया आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फाइव पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बायोलॉजी में आ रहा है आपका एट एंड नाइन्थ चैप्टर जिसमें आपका रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी हो गया एंड फिजिक्स में आ रहा है आपका चैप्टर ट्वेल्व एंड थर्टीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चैप्टर फिफ्टीन आ रहा है आपका जो कि नेचुरल रिसोर्सेज बायोलॉजी से ही हुआ ये इन्वायरमेंट चैप्टर तो ये भी आपका कुल मिलाकर के फिफ फोर्टी मार्क्स हो गया टेन ट्वेंटी थर्टी एंड देन फोटी मार्क्स ये भी हो गया तो कुल आपका एट्टी मार्क्स का हो गया टेन टेन मार्क्स के आपके टर्म वन टर्म टू हो गए टर्म वन टर्म टू में आपके पीरियडिक टेस्ट्स आने हैं जो पीरियडिक टेस्ट होंगे वो तीन लिए जाएंगे और जो बेस्ट होंगे टू वो कंसिडर किए जाएंगे दोनों एक एक टर्म में इसके अलावा क्या होगा आपका आ, जो भी आपके क्लास में आपके टीचर्स आपका असेसमेंट्स लेते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन या जो भी तरह की एक्टिविटीज लेते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी तो वो सब लेकर के वो आपको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स देंगे और तब आपका ये जो ग्रांड टोटल है वो हंड्रेड मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पर आपका डिटेल में चैप्टर में से क्या क्या कंटेंट आना है तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये आपका कंप्लीट चैप्टर आना है ठीक है इसमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इम्पली बैलेंस केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिप्लेसमेंट डबल डिसमेंट प्रेसिपिटेशन न्यूट्राइजेशन ऑक्सीडेशन कम्प्लीट चैप्टर आपका आना है सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस इंड सॉल्ट भी आपका कम्प्लीट आना है इनकी डेफिनीशन्स आएंगी जो अरे थ्योरी के हिसाब से आपका एच एनस एंड ओ एच एंस बेस्ड डेफिनीशंस हैं आए. फिर आएंगी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज इनकी यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ पी एच स्केल भी आना है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरी डे लाइफ प्लस जो सॉल्ट्स हैं आपके वो भी आने हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पैरिस मीन्स कंप्लीट चैप्टर आना है मेटल नॉन मेटल में से कुछ पोर्शन डिलीटेड है प्रॉपर्टीज आएंगी मेटल्स नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी पूछी जाएगी फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड भी पूछा जाएगा बट आपका जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है जिसमें आपका आ, हाउ द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड यह सारा पोर्शन है प्लस कॉरोजन एलवाइज ये सब कुछ नहीं आना है तो इतना आपका मेटल नॉन मेटल में से आपका एक स्मॉल पोर्शन आएगा प्रॉपर्टीज दोनों तरह की आएंगी आपकी फिजिकल और केमिकल ठीक हो गया अब हम चलते हैं आपका बायोलॉजी पर बायोलॉजी पर एक ही चैप्टर आ रहा है टर्म वन में और वो कंप्लीट आ रहा है मीन्स लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रीशन रेस्परेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स ह्यूम और प्लांट्स का जो आपने पढ़ रखा है और स, पूरा कुछ आना है ये ठीक है फिर आते हैं आप फिजिक्स पोर्शन में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट चैप्टर आना है आपका जिसमें आपका रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बाय द लाइट ऑफ लाइट बाय बाई कर्फेसिस आना है इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिररर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सेस मीन्स यार सारी डेफिनेशंस फिर मिरर फार्मूला भी आना है फिर मैग्नीफिकेशन आना है रिफ्रैक्शन में आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आना है प्लस सारी जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर से वो भी आना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस ठीक है लेंस फार्मूला यहाँ भी आना है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंस मीन्स कंप्लीट चैप्टर आना है तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपका कलरफुल वर्ल्ड आना है ह्यूमन आई नहीं आना है ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रेजम आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन ऑफ इन द डेली लाइफ से ये सब कुछ आना है आपका पर आप देख सकते हो कि आपके चैप्टर्स कितने कम हो गए उनमें भी डिलीटेड हो गए टॉपिक्स तो केवल आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चैप्टर्स आने हैं और ए सिक्स चैप्टर्स आपके एम सी क्यू बेस्ड आने हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे केसेस बेस्ड स्टडी भी रहेगा प्लस असरशन रीजन भी रहेगा तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो इसमें आपको थोरो पढ़ाई करनी है थोरो सेंटेंसेस पढ़ने हैं एन सी के प्रॉपर पढ़ाई करनी है ठीक है क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो तो आपको बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब इसी के साथ टर्म टू देख लेते हैं टर्म टू में आपके जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर फोर पूरा नहीं आना है इसमें भी थोड़ा ही पार्ट आना है कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगी कार्बन कंपाउंड्स की वर्सेटाइल नेचर आएगा होमोलोगस सीरीज आएगा मींस आपका इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है और जो आपका इथेनॉल और इथिनइक एसिड के बारे में है वो सब कुछ नहीं आना है फिर आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट चैप्टर आना है ठीक है इसमें नीड फॉर द क्लासिफिकेशन अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये सब कुछ इसमें आना है एटॉमिक नंबर मेटेलिक नॉन मेटेलिक और मेटलिक मॉडर्न प्रोडिक्टेबल ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कंप्लीट चैप्टर आना ही है ये ठीक है अब आते हैं हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर हुआ ये भी कंप्लीट चैप्टर आना है आपका जिसमें कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ए सेक्चुअल सेक्चुअल बोथ आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगी नीड एंड मैथड्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग भी आएगा सेफ सेक्स वर्सेज एच आई वी एड्स चाइल्ड बेयरिंग एंड ह्यूमन विमेंस हेल्थ तो कंप्लीट चैप्टर आना है ये बट जहाँ तक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है इसमें इवोल्यूशन पार्ट हट गया हेरिडिटी पार्ट आना है मैंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ये सब आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आएगा तो ये आपका बायोलॉजी पोर्शन हो गया अब हम फिजिक्स की बात करें तो जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट आना है क्योंकि इसमें इफेक्ट ऑफ करेंट ही पूछना है लाइट आपका फर्स्ट टर्म में आ जाना है ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आपका कंप्लीट आना है देखो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स फिर सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ इलेक्ट्रिक पावर इंटर रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस पावर देन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देन करेंट आई एंड देन रेजिस्टेंस आर ये सारा कुछ आपका पूछा जाएगा अब हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट इसमें भी पूरा ही आना है बस एक छोटा सा पार्ट नहीं आएगा इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस फील्ड ड्यूटी तक करंट कैरिंग कंडक्टर भी आएगा फील्ड ड्यूटी तक करंट कैरिंग कॉयल और द सोलोइट जो आपने पढ़ा है वो भी आना है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर भी आएगा फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर दैन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूसड करेंट एंड फ्लेमिक्स राइट एंड रूल मीनस यहाँ तक आना है इसके बाद आपका ए सी जनरेटर है तो ए सी जनरेटर एंड डोमेस्टिक का जो आपका सर्किट होता है वो नहीं आना है नेचुरल रिसोर्स में आवर एन्वायरमेंट चैप्टर आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फाइव मार्क्स का आपने देखा था ये आ रहा है तो कंप्लीट चैप्टर है ये इकोसिस्टम एन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देन ओजोन डिप्लीशन वेस्ट प्रोडक्शन देयर सोल्यूशंस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल चांसेस तो ये सब कुछ इसमें आना है अब इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या आना है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो यहाँ पर आप ये भी कम्प्लीट चैप्टर आना है सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं ठीक है जिसमें कि आपका कंजर्वेशन एंड जूडिश यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कोल्ड पेट्रोलियम कंजर्वेशन Examples of people's participation for the conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, and then water harvesting and sustainability of natural resources. Complete chapter आना है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो control coordination ये पिछले साल भी नहीं आया था। पिछले साल जैसा ही syllabus है लगभग pattern change है exam का। पिछले साल में भी annual exam में ही सब कुछ पूरी book आती थी। अब की बार आपका बहुत आसान हो गया है। दो term में divide हो गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पिछले साल भी नहीं आना था इस साल भी नहीं आना है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट ईयर भी आपका इंटरनल असेसमेंट में था इस साल भी लेकिन अब इजी क्या हो गया है इजी हो गया है कि आपको कम सिलेबस पढ़ना है एट अ टाइम मीन्स टर्म वन में आपका जो सिलेबस आ चुका है वो टर्म टू में नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत आसान है और प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं तो प्रैक्टिकल्स कौन से हैं आपके सिलेबस में वो भी आप देख लो एक बार प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो कि टर्म वन और टर्म टू में आने हैं उनको देख लेते हैं देखो तो जो आपके टर्म वन के प्रैक्टिकल्स हैं वो एक तो आपका आएगा पी वैल्यू का जिसको आप पी पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू चेक करोगे और वो कौन से सॉल्यूशन होंगे जिनकी आपको चेक करना होगा वो ये आपको दिए हुए हैं लाइक एस सी एल एन ओ एच इतनाइक एसिड लेमन जूस वाटर एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन फिर आपका सेकेंड भी आपका केमिस्ट्री रिलेटेड है जिसमें है आपका स्टडी करना है आपको प्रॉपर्टीज़ की एसिड्स एंड बेसिस तो ये है ये मत सोचो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ही सकते हो ठीक है यदि आप प्रैक्टिकल लैब में जाकर नहीं कर पा रहे हो आप प्रैक्टिकल्स को पढ़ोगे आप उनके बेस्ड क्वेश्चन समझोगे टीचर आपको पूरा उसको जो उसका कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल का वो समझाएंगे देन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन बिकॉज उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे ठीक है तो एसिड बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आप थ्योरी में भी पढ़ोगे तो वही सब इसमें प्रैक्टिकल में आ जाएगा आपका सेकंड आपका प्रैक्टिकल है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन ये सब आपकी एक्टिविटीज़ आपने कर ही रखी हैं उसी तरह की एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आने हैं तो ये आपके थ्योरी चैप्टर में जो है वही सब है फिर आपका थर्ड प्रैक्टिकल है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मेटल इन सब मेटल्स का आपको एक्शन देखना है किस पर इन सॉल्यूशन पर एक्वा सोल्यूशन पर ऑफ जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट एलुमिनियम सल्फेट तो ये भी आपको इनका जो रिएक्शंस हैं कॉन्सेप्ट हैं वो आना चाहिए फिर अरेंज करना है आपको डिक्रीजिंग आउट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में इन मेटल्स को तो ये भी आप रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स नॉन मेटल में करने वाले हो ठीक है फिर आपका एक्सपेरिमेंटली शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रिएक्शन रेस्पिरेशन ये भी आपका थ्योरी में आपने पढ़ा ही है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है थ्योरी में भी आपने देख रखा है किस तरह प्रूव कर सकते हो फिर आपका आता है डिमॉन्सट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मॉन्वेक्स मेर कॉन्वेक्स लेंस देन ये फिजिक्स पार्ट का हो गया फिर आपका फिजिक्स से ही ग्लास स्लैब से रिलेटेड है प्रैक्टिकल दिस इज ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब फॉर द डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो आप देखोगे कि हाँ हर बार जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इमरजेंस ठीक है ना ये सारे चेक करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल तो कॉन्सेप्ट आपको यदि आ जाता है वो थ्योरी में भी आएगा आपका तो आप कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हो और उस उसमें बेस्ड आंसर कर सकते हो सेवन है आपका ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रेस में ये भी आप करोगे इसमें थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी आएगा तो मेन यही है इसमें कि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करोगे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे राइट right? अब टर्म टू में आपके दो एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं फर्स्ट है आपका फिजिक्स का ओम्स लॉ लॉस्टिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ एक्रॉसर ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू एट तो वही आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है तो उसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सेकेंड आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जिसमें कि आप परमानेंट स्लाइड्स होती हैं लैब में अब आप लैब में नहीं जा रहे हो तो आपको ऑनलाइन टीचर दिखा सकते हैं और एटलीस्ट आप इसमें बेस्ड क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना तो आपका ये भी आ जाएगा तो अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाई करना जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ उसको अच्छे से आप पढ़ोगे ठीक है एक एक लाइन यदि आप एन की पढ़ते हो नहीं छोड़ते हो कुछ भी तो आपके 95 फाइव अबव कहीं नहीं गए तो इसलिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो और आपका तो बहुत आसान हो गया है फोर्टी फोर्टी मार्क्स में डिवाइड हो गया है फोर्टी मार्क्स एक टर्म में आप प्रिपेयर कर लोगे उसको एक साइड कर दोगे फिर आपको उस सिलेबस को पढ़ना ही नहीं है नेक्स्ट सिलेबस आपका फिर फोर्टी फाइव का सॉरी फोर्टी मार्क्स का है तो फोर्टी मार्क्स का पेपर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा फाइव सिक्स चैप्टर्स आने एक टर्म में तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है ये बहुत आसान है बस आपको मेहनत करनी है क्योंकि मेहनत से आप नंबर ला सकते हो तो मेहनत करनी है बाकी कोई दिक्कत नहीं है So thank you for watching, all the very best, God bless you.